तो हे गाइस, वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। और सुबह के बज रहे 4:30 और ये खड़ी है डोमिनार और पूरा दीपू। तो अब हम जा रहे हैं यहाँ से फरीदाबाद रोड पे, थोड़ा ब्लॉग व्लॉग शूट करेंगे। अभी तो पहले डोमिनार में थोड़ा पेट्रोल डलवाएंगे गोकू को। गोकू को थोड़ा भूख लगी, अभी गोकू को थोड़ा खाना वाना खिला के फिर यहाँ से निकलते हैं। अभी पहले स्टार्ट करता हूँ बाइक को, फिर चलते हैं। तो मिलते थोड़ा सा आगे। तो गाइस, डोमिनार बस स्टार्ट हो चुकी है, अब यहाँ से बस स्टार्ट करने की देर हो रही है। और थोड़ा दीपू चूतिया है तो उसको इग्नोर करना, ठीक है। तो ये पता नहीं फोन में क्या कर रहा है, देखो बाइक पे बैठते समय भी फोन चला रहा है। Spotify, this is the best music life of the day. तो शायद मुझे भी स्टॉप क्या बोला, बिकॉज ही इज अंडरस्टैंडिंग माई फीलिंग्स एंड एवरीथिंग। तो चलो यहाँ से हम निकलते हैं अब, ठीक है। Yes. तो गाइस, अब यहाँ से हम निकल लिए, ये मेरी कॉलोनी का गेट है। तो यहाँ पे ना पता है, बस यहाँ का थोड़ा मोड़ वोड़ ही ख़राब है, बस बाकी रोड तो ठीक ही है। सरकार रोड बना ही देती है कभी ना कभी। तो बाइक पता झटके ले रही है गाइस, तो अब लग रहा है मैं बाइक में जल्दी पेट्रोल पंप पहुँचना पड़ेगा, क्योंकि अभी बाइक झटके लेने स्टार्ट कर चुकी है। जल्दी से जल्दी हमें पेट्रोल पंप तो पहुंचना ही पड़ेगा। तो अभी हम ज़्यादा तेज़ चला नहीं सकते, क्योंकि ज़्यादा तेज़ चलाएंगे तो पेट्रोल जितना बचा कुचा वो भी चला जाएगा। तो यहाँ बिल्कुल तैयार व्यार होके मैं तो निकल गया हूँ, लेकिन दीपू को मैं बोल रहा था तैयार हो जाए, तो दीपू कह रहा नहीं मैं ऐसे ही चलूँगा। वो कहते ना सटिया गए हैं, तो दीपू सटिया गए हैं पूरा। अभी हम रोड पे पहुंच के आपको आगे का लुक दिखाते हैं। बंद कर। तो गाइस चलो, आप टाइम लैप्स एंजॉय करो। बंद करेगा से लियो यहाँ। स्टॉप कहाँ से होता, मतलब कि वहीं से स्टॉप होता। तो गाइस, हम लोग चाय की दुकान पे पहुँच चुके हैं और देखो फिर तो तैयार व्यार होके जूते तो पहन के मस्त तरीके से डोमिनार पे बैठा हुआ और देखो चाय वाय ले रहा है। और यहाँ कुत्ते भौंक रहे हैं, पता नहीं किस पे भौंक रहे हैं, मुझ पे तो भौंक नहीं सकते अभी, तो मैं तो बाइक पे हूँ। अब यहाँ से बस हम निकल रहे हैं, पहले जाएंगे पेट्रोल पंप। चलो मिलते थोड़े से आगे। तो हम यहाँ से निकल चुके हैं, अब हमने चाय वाय पी ली है, बहुत अच्छी चाय थी, चाय की चाय बहुत तगड़ी लगती है। अब हमें जल्दी पहुँचना है क्योंकि पेट्रोल पंप। चलो गाइस, आप लोग टाइम लैप। तो गाइस, हमारा पेट्रोल बिल्कुल पेट्रोल पंप के पास ही ख़त्म हुआ है, देख लो। और हम धक्का मार रहे हैं अब यहाँ पे, वो तो कहो ज़्यादा दूर ख़त्म नहीं हुआ वो। एक्चुअली ना इसमें एक हफ्ते पहले टंकी फुल कराई थी ना, तो तब से ऐसे चल रहा है। तो हम फिर हम ज़्यादा पेट्रोल फुल नहीं करवाते, ज़्यादा घूमते भी नहीं है ना। तो अभी कुछ थोड़े दो तीन दोस्तों को दे दिए, उन्होंने इसका टोटल खींच खींच के इसका सारा पेट्रोल ख़त्म कर दिया। तो गाइस, सुबह के कितने बज रहे हैं, 4:26 हो गए, और देखो टाइम दिखा रहा है। तो पेट्रोल पंप भी पहुंच गए हैं, अब यहाँ पेट्रोल डलवाते हैं फिर निकलते हैं यहाँ से। तो गाइस, हम लोग यहाँ से निकल चुके हैं, पेट्रोल हमने 300 का डलवा लिया है।
था ब्रेक ना मैं रोक रोक के मारता ताकि साले एकदम से रुके ना। इंडिकेटर ऑफ कर। यहाँ मैंने लास्ट 135 मारी है, 299 मारने के लिए अपनी ZX चैनल लेके जाता हूँ मैं। 135 यहाँ पे 135 मारी है लास्ट, क्योंकि आगे रोड खराब हो जाता है ना भाई, भाग नहीं पाती है। और स्पीड ब्रेकर उस टाइम पे भाई मार ले कि इतने बंदे थे यहाँ पे, आराम से 135 तो चल ही जाएगी। Thank you.
आगे घूमेंगे कि आगे से? नहीं से, आगे से लेते ना। नहीं यहीं से। क्यों? क्योंकि आगे रोड बेकार है वैसे। आगे बिल्कुल परफेक्ट रोड है साले। थोड़ी मट्टी वट्टी आ गई है, देखो कितनी ज्यादा मट्टी उड़ रही है यहाँ पे। यहाँ से ट्रक व्रक होता है ना तो यहाँ पे मट्टी वट्टी घेर के चला गया है। और यहाँ का रोड एक्चुअली यहाँ पे ट्रक वगैरह का रूट होता है तो ट्रक वगैरह जाते हैं तो उसमें मट्टी वट्टी लोड होकर जाती है, कंटेनर वाइज पूरा लोडेड, तो बढ़ाते हुए कभी गिर जाती है, कभी हवा से गिर जाती है और कभी थोड़ा जम होता है तो उससे गिर जाती है। तो इस चक्कर में ना बाइकर्स को और ज्यादातर कार वालों को यहाँ लग जाए गाइस। आ गई हमारी चाय, भाई पीला चाय देख लो कुर्सी पे बैठ के, नवाब ज्यादा हो रहे हैं देख लो, नवाब है तू। और उजाला भी हो रहा है धीरे धीरे, बस थोड़ी देर और उजाला हो जाएगा। तो ये रही हमारी चाय, ज्यादा मीठी है लेकिन ठीक है, हम भी तो ट्राई करें कैसी है, अच्छी है। तो आप चलो यहाँ पे चाय वाय पी के निकलते हैं। इसकी आँखें देखो कितनी लाल हो रही हैं, देख रहे हो इसकी आँखें को ऐसे। ये आँखें तो देखो क्या नसीली लग रही है, किसके प्यार में रोया है बे तू? किसके प्यार में रोया दीपू? प्यार तो एक ही जगह चले गए छोड़ के। तो गाइज मैं पता है मैं प्यार व्यार नहीं करता हूँ, इन चीज़ों से दूर रहता हूँ, सब बेकार है, टाइम पास है, ये सब सिर्फ नाम का प्यार होता, किसी चीज़ का काम का प्यार नहीं होता। ऐसे लेकर वाइड में ऐसे लेकर समझा। तो हम यहाँ से चाय वाय ख़त्म करके हम निकलते हैं, फिर आपको मिलते थोड़े से आगे। तो हमने यहाँ पे चाय वाय पी लिए, यहाँ पे पानी भी, इसने देखो चाय के साथ पानी ले लिया। कोई नहीं, प्यास तो यार मुझे भी लग रही है, मैं भी ले लेती हूँ थोड़ा सा। तो अब यहाँ से हम निकल रहे हैं, देखो उजाला थोड़ा सा और हो गया है, अब ब्लॉग शूट करने में थोड़ा सा सही लगेगा। हम थोड़ा सा रिएक्शन शूट करने के लिए निकले बाई चांस, देखते हैं आज सुबह कौन ज़्यादा, पता है किसी दिन आपको
केटीएम से रिएक्शन दिखाऊंगा बढ़िया वाले। आप कमेंट करके बताना केटीएम आरसी से दिखाऊं या केटीएम ड्यूक से दिखाऊं। ड्यूक 390, ड्यूक 350 या आरसी या फिर डोनेट 250, कौन सी बाइक से रिएक्शन? या तो R15। आप बताना कमेंट करके कि कौन सी बाइक से रिएक्शन दिखाऊं, वो भी कावासाकी गच्ची है या बैलेंस एक्सटेंडेड। लड़कियों की छुट्टी होगी तो दिखाऊंगा स्कूल टाइम पे। कमेंट करके जरूर बताना। हम सारे दोस्तों का कम से कम चार सारे दोस्तों को मिला के 6-7 सुपर बाइक्स है, तो आपको कौन सी बाइक के रिएक्शन चाहिए वह बता देना। तो कमेंट जरूर कर देना ध्यान से। तो अभी हम ट्राई करते हैं डोमिनार के रिएक्शन के लिए, तो चलो मिलते हैं थोड़ा आगे। अभी थोड़ी देर में यहाँ थोड़ी देर रुक के चलेंगे गाइस, क्योंकि अभी कोई निकला नहीं होगा, ज़्यादातर 6 बजे सब निकलते हैं। तो गाइस अभी थोड़ी देर 6:25 या 30 मिनट बाद आपको मैं ब्लॉग दिखाता हूँ। 1 घंटा रेस्ट करके जाएंगे, तब तक थोड़ा पबजी वबजी खेलेंगे, वीडियो को थोड़ा देखेंगे। अभी पहले हम चलते हैं घर। तो गाइस उजाला वापस हो चुका है और मैं फिर से आ चुका हूँ यहाँ पे। तो अब की दीपू की जगह मेरे साथ अरुण आ गया है, और यहाँ से हम निकल रहे हैं। और अभी भी पता टाइम 5:21 ही हुए हैं। मैंने तुम्हें कहा था 1 घंटे बाद आऊंगा, लेकिन मैं 10 मिनट बाद ही आ गया। गाय वाय ऐसे खड़ी है यहाँ पे, क्या ही होगा। अभी तो लड़कियां स्कूल जाना स्टार्ट भी नहीं करी। कुत्ते पीछे बढ़ने के तैयार होते बाइक। तो गाइस अभी इस लोड़े को बाइक ले लिए, यहाँ से बस चला रहा। अभी थोड़ा सा जूस पीएंगे, जूस पीने के बाद सुबह सुबह क्या ट्रैफिक लगा रखा है यहाँ पे। देखो सुबह सुबह ही स्टार्ट हो गए ट्रैफिक। देखो यहाँ दो JCB खड़ी हैं, तो आगे ये गाड़ी वाला क्या कर रहा है। यहाँ से भी हमारी बाइक निकल चुकी है। अरे क्या बोले रहा है क्या ड्राइवर? स्कूटी वाला क्या पायलट हो गया। रेड लाइट को पार्किंग
बाद में आएंगे। अरे सर फोटो खींचवा मैं अंदर एक को छतरपुर मेट्रो। चल घुमा तो अब यहाँ से हम निकल रहे हैं। यहाँ हमने थोड़ी फोटो वोटो खींच के रील वील बना ली है। गन्ने का जूस लगवा रहे हैं, गन्ने का नहीं वो मौसमी का। रोड पे कितनी मट्टी मट्टी कर दी है, पहले रोड कितना साफ सुथरा रहता था। एक तो यार मौसमी का जूस हो गया है। तो गाइस अब यहाँ से हम निकल रहे हैं। पता मेरी एक्स रहती है इस वाली कॉलोनी में। एक्स तो पता नहीं कितनी जगह रहती है, लेकिन एक एक एक्स यहाँ पे भी रहती है इस वाली कॉलोनी में। अभी पता उसका स्कूल टाइम हो गया है। बस ब्लॉग शूट कर गए। क्या बात है, ये तो हमसे रेस लगाता है बे। मरना नहीं है मेरे को, शादी करनी है अभी मुझे, बच्चे करने हैं। देख रहे हो क्या टीम बनानी है मुझे 11 बच्चों की। अपने क्रिकेट मैच खेलेगा क्या यार? अभी भी 6 नहीं बजे, मैं बताओ 6 बजने का वेट कर रहा हूँ। क्या करेगा, लॉन्डिया के रिएक्शन लूंगा। तो गाइस चलो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और ये छोटे मोटे ब्लॉगर को थोड़ा सपोर्ट कर देना। तो बाय बाय गाइस।